विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में शस्त्र को जमा करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि कुल 22,978 शस्त्र हैं, जिसमें 12,700 असलहा पुलिस द्वारा जमा करा लिए गए हैं। इसके अलावा और भी शस्त्र जमा कराने का प्रयास किया जा रहा है तथा जो बाहर के शस्त्र धारक हैं और इस समय जनपद में निवास करते हैं, उन्हें भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनका शस्त्र जमा कर लिया जाए तथा इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय स्विंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, LIU निरीक्षक और नगर मजिस्ट्रेट की कमेटी है, तो उसमें सभी स्विंग कमेटी होती है, जिसमें तहसील के SDM और CO इसके मेंबर होते हैं तथा इनके माध्यम से कुछ लोगों की संस्तुतियां आई हैं। चुनाव में कुछ लोगों को शस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है, उनको वाजिब रीजन देने पर शस्त्रों को जमा नहीं करने की छूट दी गई है तथा ऐसे कुल 672 मामले हैं और तीव्र गति से शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग की बैठक समय समय पर की जा रही है कि शस्त्र में किसको छूट देनी है, इसकी भी प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए जनपद में एलिस और नडाल पोर्टल पे कुल 22,979 शस्त्र हैं, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा एवं अन्य माध्यमों से जो शस्त्र जमा कराए गए हैं वो 12,704 शस्त्र अभी तक जमा करा लिए गए हैं। इसके अलावा जो और शस्त्र उनको जमा कराने का प्रयास किया जा रहा है और इसके अलावा कई शस्त्र ऐसे हैं जो बाहर के शस्त्र धारक हैं जो इस समय जनपद में नहीं निवास करते हैं, तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र जमा करा लिए जाए। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर मजिस्ट्रेट की कमेटी है, तो उसमें सब स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है तहसीलों की, जिसमें तहसील के SDM और CO जिसके मेंबर्स होते हैं, तो उनके माध्यम से संस्तुतियाँ आई हैं। कुछ लोग का जो ऐसे कई लोग ऐसे ऑक्यूपेशन में, प्रोफेशन में हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है शस्त्रों की इस समय, तो उनका अगर वाजिब रीज़न है तो उनके शस्त्रों को एग्जेम्पशन दिया गया है। तो ऐसे भी 672 ऐसे मामले हैं जिनको एग्जेम्पशन दिया गया है, तो इस तरह करके जनपद में त्वरित गति से शस्त्र को जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी भी समय समय बैठक करके जिसको स्क्रीनिंग से छूट देनी है और जिसको शस्त्र रखने से छूट देनी है उसके लिए भी प्रयास चल रहा है, तो ये समय वर्तमान स्थिति है।